इस भयंकर से चिलचिलाती गर्मी में अगर कोई चीज़ साथ देती है तो वो है आम का पन्ना। आम का पन्ना तो हमेशा से लोग बनाते आए हैं, पर आज एक नए मेथड से हम बनाएंगे आम का पन्ना कुछ स्पेशल मसालों के साथ, और हम बनाएंगे इसका कॉन्सेंट्रेट। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पन्ना को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये तीन आम लिए हैं। पन्ना बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आम बिल्कुल कच्चा होना चाहिए। तो जब भी आप आम लें तो इन्हें थोड़ा सा दबा के देख लें कि ये पके हुए ना हो। जितना कच्चा आम होगा उतना ही बढ़िया हमारा पन्ना बनेगा। तो हमेशा से लोग पन्ना बनाते आए हैं, कोई उबाल कर, कोई भून कर, बहुत सारे तरीके होते हैं। पर आज मैं जो तरीका आप लोग को बताने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान सा तरीका है, जिसमें कि हम इन आम को धो लेंगे, छील लेंगे और इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये छोटे छोटे टुकड़े हमने कट कर लिए हैं। तो आज हम जो बनाएंगे वो होगा हमारा पन्ना कॉन्सेंट्रेट। हम ऐसा पन्ना बनाएंगे कि इसे बनाने के बाद आपको आज के बाद कभी भी पन्ना मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा। ये बहुत लंबे समय तक चलता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ये सारे टुकड़े आम के डाल दिए हैं और इनको हल्का सा चला देंगे ताकि ये पानी में अच्छी तरह से डूब जाएं। इन टुकड़ों में मैंने डाला है 1 कप पानी और अब इनमें एक अच्छा सा बॉईल आ गया है। हमें तब तक इसको उबालना है जब तक कि ये सारे आम के पीसेस मैश ना हो जाएं। हमें बहुत अच्छी तरह से इसको मैश करना है। लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे हमें इसे उबालने में। और अभी हमने इस पर लिड लगा दिया था, हटा के देखा तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो गए। तो अब मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि 1 चम्मच सादा नमक, 2 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच मैंने क्रश्ड ब्लैक पेपर डाला है और साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो 3/4 चम्मच लगभग इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर डालते ही इसमें बहुत अच्छी सी सुगंध आने लगेगी। इस इलायची पाउडर को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसे डालने के बाद इसका टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। तो अभी देखिए ये पीसेस थोड़ा थोड़ा सा मैश होने लगे हैं। तो थोड़ी देर इस पर लिड और लगा देते हैं और करीब 2 से 3 मिनट के बाद लिड हटा के हमने देखा तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। प्रॉपरली मैश करने के लिए मैंने यहाँ पर मैशर का यूज़ किया है। मैशर का यूज़ करते ये बहुत आसानी से पल्प में चेंज हो जाएगा और ये देखिए अच्छा सा पल्प ये बनकर तैयार हो गया है। तो इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि पल्प हमारा रेडी हो गया है। तो आइए इसे ठंडा करते हैं। जब तक ये पल्प ठंडा हो रहा है मैंने रखा एक और फ्राइंग पैन, जिसमें मैं ले रही हूँ 1.5 कप के करीब चीनी और 1.5 ही कप मैंने इसमें पानी लिया है। तो चीनी और पानी को देख कर आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर कोई चाशनी बना रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। हमें इसको सिर्फ उतनी देर पकाना है जब तक कि ये चीनी इसमें मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी उसके बाद थोड़ी देर हम इसको अच्छा सा उबाल आने तक गैस पर रखेंगे। हमें इसे एक तार की चाशनी में कन्वर्ट नहीं करना है। हमें इसको बस इतना ही उबालना है कि ये हल्का सा स्टिकी हो जाए, यानी कि थोड़ा सा ये चिपचिपा हो जाए। तो आइए चेक करके देखते हैं। तो ये देखिए कोई तार वगैरह इसमें नहीं आ रहा है, बस हल्का सा ये चिपचिपा हो गया है। तो इसी कंसिस्टेंसी तक हमें इसको बॉईल करना है। तो यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे भी अलग रख देते हैं। आइए देखते हैं हमारे पल्प को। इस पल्प को हम डालेंगे एक मिक्सी के जार में क्योंकि ये अब हो चुका है पूरी तरह से ठंडा। तो सारा पल्प जार में करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ये पुदीने के पत्ते। तो 1 कटोरी भर के मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। अगर आप पुदीने का बंच खरीदते हैं तो ये आधा बंच पुदीना है। तो जब भी पन्ना बनाए फ्रेश पुदीने के पत्ते ही यूज़ करें। तो ये देखिए मैंने पुदीने के पत्ते डालकर इसको अच्छी तरह से पीस लिया है और ये हमारा बहुत ही स्मूथ सा क्रीमी पल्प बनके तैयार हो गया है। आपको इसे बहुत अच्छी तरह से पीसना है, इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। अब वापस उसी कढ़ाई में जाते हैं, जो शुगर सिरप हमने बनाया था वो हम इसमें डाल लेंगे और साथ में ऐड कर देंगे ये पल्प, मैंगो पल्प इसमें डालकर। अभी हम गैस वगैरह नहीं जलाएंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे।
और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम गैस को ऑन कर लेंगे। और हमें अभी से बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 3 से 4 मिनट हमें इसमें 2-3 उबाल देने हैं और ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें बॉईल आ गया। यहाँ पर मैं 2 पिंच फूड कलर डाल रही हूँ। फूड कलर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसे डालने से इसमें जो लुक आता है ना बहुत ही अच्छा लगता है, वो एकदम मार्केट जैसा आता है। लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप कलर खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। गैस बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सिंथेटिक विनेगर, वही वाइट वाला विनेगर जो कि हम चाइनीज़ रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। 1 चम्मच विनेगर मैंने इसमें ऐड किया है। अगर विनेगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 1/2 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो तैयार हो गया है हमारा ये कॉन्सनट्रेटेड पन्ना। तो ये पन्ना का कॉन्सनट्रेट हम किसी जार में भर लेंगे, अगर आपके पास बॉटल है तो आप बॉटल में भी भर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में लेड लगाकर इसको फ्रिज में आप 4 से 5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको पन्ना बनाकर दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट मैंने गिलास में ले लिया है और इसमें अब मैं ऐड करूँगी एकदम चिल्ड वाटर, साथ में आइस क्यूब। और आइस क्यूब डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चम्मच से हिला देंगे, मिक्स कर देंगे ताकि कॉन्सनट्रेट नीचे जाके ना बैठ जाए। थोड़े से फ्रेश पुदीने के पत्ते इसमें मैंने ऐड किए गार्निश करने के लिए, और एक लेमन वेज भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये देखिए तैयार हो गया हमारा बहुत ही डिलीशियस एनर्जी से भरपूर आम का पन्ना। तो इस कॉन्सेंट्रेट को अभी मैं लिड लगा के फ्रिज में रख दूँगी। आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस पन्ने को आप 4 से 5 महीने तक अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, आपको मार्केट से ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। गुड बाय।